हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काइलिंग किचन। आज मैं आपके साथ चिकन कबाब बनाने का एकदम नया तरीका शेयर करूंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। इनको मैंने एकदम डिफरेंट तरीके से बनाया है और यकीन मानिए इस तरीके से हमारे बहुत ही बढ़िया कबाब बनकर के तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। इसको देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। इसमें जो हड्डी है इनको हम हटा देंगे। ये पूरे गोश्त को देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको तो साइड में रख देंगे। अब ये देखिए, मैंने एक मक्का लिए है, ये मैंने थोड़े नरम दाने वाले मक्का लिए है। अब चाकू की हेल्प से इसके दानों को निकाल लेंगे। अगर आप चाहो तो इसके दानों को कद्दूकस से भी खींच सकते हो। अब इनको किसी भी अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब धनिया को भी किसी अलग बाउल में निकाल लेंगे। अभी देखिए, मैंने एक प्याज ली है और एक शिमला मिर्ची ली है। इनको मैंने धोने के बाद इस तरीके से रफली कट कर लिया है। इनको हम चॉपर में डाल देंगे। अब इनको चॉपर से बारीक चॉप कर लेंगे। अब इसमें मक्का के दानों को भी डाल देंगे। अब इनको भी हल्का सा चॉप कर लेंगे। इनको देखिए, मैंने थोड़ा दरदरा सा चॉप कर लिया है। अब इनको इसी बाउल में डाल देंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा गोश्त लेंगे और जार में डाल देंगे। मैंने इसमें करीब एक मुट्ठी गोश्त डाल दिया है। अभी मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने छीलने के बाद धो लिया है। इसको भी रफली कट करके इसी में डाल देंगे। अब इसमें करीब 15 से 20 कली लहसुन की डालेंगे। अब इनको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। इनको भी देखिए, मैंने बारीक पीस लिया है। अब इनको भी हम इसी बाउल में निकाल लेंगे। अब हरे धनिया को भी इसी बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, इसमें 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच नमक है। आप इसमें मिर्च और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए करीब 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप इसमें सिका हुआ बेसन, मैदा या फिर सिके हुए चने का पाउडर भी डाल सकते हो। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे।
इन सभी को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से कबाब बनाएंगे। इसकी साइड्स को देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे कबाबों को बना करके रेडी कर लेंगे। ये पूरे कबाबों को देखिए मैंने बना लिया है। अब ये देखिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है। अब इनमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इनमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे। अब इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अभी इनको भी साइड में रख देंगे। अब देखिए इनको कोट करने के लिए कॉर्नफ्लेक्स ले लें या फिर इस तरीके से ब्रेड क्रम्स ले लें। मैं इनको कॉर्नफ्लेक्स से कोट करूंगी। अब इनको हम इस तरीके से किसी भी पॉलीथीन में डाल देंगे। अब इनको हम बेलन से थोड़ा मोटा सा चूरा कर लेंगे। अब इनको हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनको हम पहले अंडे में डिप करेंगे। अब इनको कॉर्नफ्लेक्स से कोट करेंगे। इनको कॉर्नफ्लेक्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरीके से पूरे कबाबों को रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इन कबाबों को इस तरीके से रेडी करके किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के फ्रीज़र में रख दें। इनको फ्रीज़र में रख के आराम से 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो तो इनमें प्याज नहीं डालें, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देती है। ये पूरे कबाबों को देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन में करीब 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। मैं इनको शेलो फ्राई करूंगी। अगर आप चाहो तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब इसमें जितने भी कबाब आसानी से आ जाएंगे उतने कबाब ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको सेकेंगे, जिससे क्या है अंदर तक अच्छे से पके। इनको इस साइड से फ्राई होते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है। अब इनको हम पलट देंगे। इनको दोनों साइड से बढ़िया से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये कबाब भी देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से पूरे कबाबों को सेक लेंगे। ये कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है। इनको मैं हरी मिर्च, हरदनी की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करूंगी। अब देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखा आपने कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट हमारे कबाब बने हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यकीन मानिए ये हमारे बहुत ही बढ़िया कबाब बनकर के तैयार हुए हैं।
आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।